इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने अपने इस वर्ष के राजस्व बजट 550 करोड़ का तकरीबन 65% पूरा कर लिया है। अगले 3 महीनों में RTO को 35% का टारगेट पूरा करना है, जो अधिकारियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ARTO निशा चौहान ने बताया कि 2018-19 में अब तक तकरीबन 300 करोड़ के राजस्व की वसूली क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कर चुका है। मार्च तक तकरीबन 250 करोड़ का राजस्व अधिकारियों को अचित करना है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि RTO को पूरी उम्मीद है कि वह इस वर्ष का टारगेट भी समय पर पूरा कर लेगा। 2018-19 में 550 करोड़ का टारगेट दिया है इंदौर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को, जिसमें 350 करोड़ से ऊपर टारगेट अचीव कर लिया गया है। अभी तक जो मंथ वाइज सेग्रीगेशन किया गया था टारगेट्स, वो अचीव कर लिया गया है। हम लोग प्लस में ही चल रहे हैं और 65% टारगेट हम लोग अचीव कर चुके हैं। आगे आने वाले 3 माह में शेष टारगेट किया जाएगा।